और अज की इस वीडियो दे विच असी करांगे पंजाब दी जीके दे नाल रिलेटिड कुछ इंपोर्टेंट एम सी क्यू का पार्ट थ्री। जिमें कि तुहानू पता है असी पंजाब दी जीके दे नाल रिलेटिड 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की आ, जिसका असी पार्ट थ्री करन जा रहे हैं। तो पहले टू पार्ट्स दे विच असी पंजाब दी ज्योग्राफी कवर की सी, ते हुण जिहड़े पार्ट थ्री ते फोर होवेगा इस विच असी पंजाब दी हिस्टरी कंप्लीट करांगे। ठीक है, हाँ जी, जिहड़े भी स्टूडेंट पंजाब दे किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने लिए पंजाब जीके बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो असी पंजाब दी मिक्स जीके दे नाल एक 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ की है स्टार्ट, जिहड़ी कि तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है। हाँ जी, इस तो इलावा जिहड़े स्टूडेंट फॉरेस्ट गार्ड वीडियो पी ट्रिपल एस बी क्लर्क जां फिर पंजाब दे किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो का इस सीरीज़ का तुहाडे लई एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असी अज की यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर वन, पंजाब विच अशोक दे शिलालेख कित्थे मिले सन। हाँ जी, पंजाब दे विच अशोक दे शिलालेख टैक्सला दे विच मिले सी। ऑप्शन नंबर ई डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, सिद्धू घाटी दियां हेठ लिखियां थावां विचों केड़ी थां पंजाब विच नहीं है। हाँ जी, सिद्धू घाटी दियां हेठ लिखियां थावां दे विचों केड़ी थां पंजाब दे विच नहीं है। नहीं है लिखिया ना, जे नहीं सी हुंदा तां फिर इहदा मतलब असी पास्ट की गल कर रहे हैं, नहीं है दा मतलब असी प्रेजेंट की गल कर रहे हैं। एट प्रेजेंट पंजाब दे विच इन्हां थावां दे विचों केड़ी थां नहीं गी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर उड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तों इलावा पंजाब दे विच कोटला, नहिंग खां, रोपड़, संघोल, ये सारियां ही थावां पंजाब दियां ने। ठीक है, रूपनगर देखो, तुसी सिद्धू घाटी सभ्यता नाल संबंधित पंजाब दे जिहड़े महत्वपूर्ण स्थान आ सी उहनां दी गल कर लैने आ। रूपनगर, कोटला, निहंग खां जिहड़ा कि जिला रूपनगर दे विच ही पैंदा, धीर माजरा जिला रूपनगर दे विच पैंदा, बारा ये भी जिला रूपनगर दे विच ही पैंदा, रोहिड़ा यह जिला संगरूर दे विच पैंदा, संघोल जिला फतेहगढ़ साहिब दे विच पैंदा, सनेत जिला लुधियाने दे विच पैंदा। यह सिंधू घाटी दियां इंपोर्टेंट पंजाब दे नाल संबंधित आ जिहड़ियां पंजाब दे विच थावां ने, यह सिंधू घाटी नाल संबंधित ने। ठीक है, ये तुसीं याद रखना। तो इस तों इलावा जेकर असीं गल करिए मोहनजोदड़ो की, यह सब तो पहला पाकिस्तान जदों मतलब कि सिंधू घाटी आई सी उस समय पाकिस्तान दे नाल संबंधित आ। ठीक है, पाकिस्तान नाल संबंधित सी जिहड़ा कि हुण कई कारणां करके खत्म हो चुके आए। हाँ जी, जिहड़ियां सिद्धू घाटी आ, देखो जिहड़ी सिंधू दी घाटी आ, सिद्धू घाटी आ, इस नूं हड़प्पा सभ्यता भी कहा जांदा वा। ते तों हुण तुसीं इह याद रखना कि हड़प्पा दी सभ्यता पित्तल युग नाल संबंध रखदी करके हड़प्पा दी सभ्यता नूं पित्तल युग भी कहा जांदा है। ठीक है, पित्तल युग दे नाल नाल इस नूं इंडस घाटी भी कहा जांदा वा। ठीक है, ये भी तुसी याद रखना। हाँ जी, ये इंपोर्टेंट नाम आ जिहड़े तुसी याद रखने आ। नैक्सट, कनिष्क दे अधीन पंजाब विच, इत्थे तुसी देख सकते हो क्वेश्चन नंबर ना ऑप्शन दे विच आड़ा ऐड होया होया है, इस दा राइट आंसर ऊड़ा है। कनिष्क दे अधीन पंजाब विच सामराज दा एक हिस्सा बनिया। हाँ जी, कनिष्क दे अधीन पंजाब उस सामराज का हिस्सा बनिया सी जिसने उत्तरी भारत समेत अफगानिस्तान ते केंद्रीय एशिया मल्या होया सी, ते उसकी राजधानी की सी। हाँ जी, राजधानी की सी उस समय, पिशावर सी। ऑप्शन नंबर उड़ा इज़ द राइट आंसर। कनिष्क दे अधीन पंजाब उस सामराज का हिस्सा बनिया सी। देखो पंजाब दे विच सब तो पहला सामराज किहड़ा आया सी, सब तो पहला सामराज आया सीगा मौरियन। ठीक है, अगे चलो असी ज़्यादा डिटेल दे विच नहीं करते, अगे नाल दी नाल ही मैं तुहानू जिथे असी कोई गल करांगे उस टाइम ही इंपोर्टेंट फैक्ट दसांगे। जिथे सामराज की गल हुई तो याद रखना पंजाब दे विच सब तो पहला भारतीय इतिहास दे विच ही जे असी गल करिए भारतीय इतिहास विच पहला सामराज सी मौरियन। मौरियन सामराज की स्थापना हुई सी पहला। ठीक है, मौरिया सामराज जिन्हों बोल दें। तो कनिष्क के अधीन जिहड़ा मौरिया सामराज आ पंजाब उस पंजाब का मतलब कि कनिष्क के अधीन पंजाब उस सामराज का एक हिस्सा बनिया सी जिसने उत्तरी भारत समेत अफगानिस्तान ते केंद्रीय एशिया मल्या होया सी, उसकी राजधानी पिशावर सी। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब मौरिया सामराज के किस प्रांत का हिस्सा सी। हाँ जी, पंजाब मौरिया सामराज के किस प्रांत का हिस्सा सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ई डी, पछमी प्रांत का। ऑप्शन नंबर ई डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन,
किस शासक ने भारत में मैनेडोनियना हरा के नंद सामराज से जित प्राप्त की सी। ते पूर्व विच बंगाल की खाड़ी तो लैके पछम विच सिद्धू दरिया तक एक वड्डा सामराज स्थापित किया सी। हाँ जी, किस केड़ा शासक इन्हों ऑप्शन दे विच्चों जिसने मैनेडोनियना हरा के नंद सामराज से जित प्राप्त की, पूर्व विच बंगाल की खाड़ी तो लैके पछम विच सिद्धू दरिया तक एक वड्डा सामराज स्थापित किया, तो यह किया जी चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर ईडी इज द राइट आंसर। ठीक है, चंद्रगुप्त ने किया। चंद्रगुप्त ने देखो मगध के आखिरी नंद राजे धनानंद नूं गद्दी तो ला के पाटलीपुत्र ते भी अपना कब्जा किया सी। ते चाणक्या ने सिकंदर दे सेनापति सेलुक्स निक्टर नूं हरा के अफगानिस्तान ते विशाल खेतर ते हमला कर लिया सी। ठीक है, जिहदी असीं पिछे गल कीती आ। चलो इन्नी डिटेल दे विच करन लई रहिण दिंदे आ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं वीडियो बोरिंग लग सकदी आ। ठीक है, इस दे विच असीं सिद्धी गल करदे आ कि तुहानूं नाम दिसे लिखे दिस रहे आ बिंदुसार ते अशोक, इन्हां दी गल करदे आ असीं। चंद्रगुप्त की मौत तो बाद उन्हां दा पुत्तर बिंदुसार, उन्हां दे पुत्तर कौन सी, बिंदुसार इह सिंघासन ते बैठे सी। ते बिंदुसार दे राजकाल दौरान ही अशोका नूं गंधार सूबे दा गवर्नर नियुक्त कर लिया गया सी। ठीक है, ते बिंदुसार मगरों ताकत विच आया राजा अशोक बेशक भारत का सब तो सूरवीर राजा सी, जिसने अपना राजपाठ दक्षणी भारत में अफगानिस्तान तो मैशूर तक बधा लिया सी। ठीक है, ये तुसी याद रखना। पर अशोक तो बाद कमजोर राजियां कारण राजनीतिक अस्थिरता फैल गई अते मौरियन जिहड़ा सामराज सी इसका अंत हो गया सी। ठीक है, हाँ जी, हो सकता बहुत सारे स्टूडेंट्स में वीडियो बोर लग रही हो, बोरिंग लग रही हो, तां मैं उन्हां दे लई दसना चाहवांगी कि अगे बहुत घट इंपोर्टेंट फैक्ट दसांगी, जिथे नीड होवेगी उत्थे ही दसांगी, पर जिस बारे कुछ ना कुछ पता हुंदा ना तो रहा नहीं जांदा बिना दसे। नैक्सट क्वेश्चन, किस मौरिया शासक ने पंजाब विच ब्रह्मी लिपि नूं शुरू कीता सी। हाँ जी, इन्हां दे विचों किहड़े मौरिया शासक आ जिन्हां ने पंजाब दे विच ब्रह्मी लिपि नूं शुरू कीता सी। तां इस क्वेश्चन दा राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर आड़ा अशोक। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब विच शहरीकरण ते लिपिकरण दा पुनर उत्थान 700 ईसा पूर्व तो 300 ईसा पूर्व दे विच होया, उस दौर दा महत्वपूर्ण शहर केड़ा सी। हाँ जी, पंजाब विच शहरीकरण ते लिपिकरण दा जिहड़ा पुनर उत्थान उह 700 ईसा पूर्व तो 300 ईसा पूर्व तक होया सी, ते उस दौरे दा महत्वपूर्ण शहर सी टैक्सला। ऑप्शन नंबर आड़ा इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब के इन्हों शासकों नूं काल क्रम अनुसार रखो। हाँ जी, तुसीं इन्हों का की करना वा, जिहड़े तुहानूं लिखे दिख रहे आ शासक पंजाब के, इन्हों इन्हों की मतलब इन्हों कार्यकाल नहीं जिवें असीं बोल देंदे उस हिसाब नाल रखने आ। ठीक है, तो सब तो पहले जे असीं गल करिए इस दे विच सब तो फस्ट ते सी मौरिया। ठीक है, मौरिया, उस तो बाद इंडो ग्रीक, उस तो बाद पाल, ते उस तो बाद हून, जाने कि ऑप्शन नंबर उड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सब तो पहला मौरिया सामराज आया सी। ठीक है, उस तो बाद सोंग, उस तो बाद जूनानी, उस तो बाद सक, उस तो बाद पारथियना, उस तो बाद कुशाण वंश। ठीक है, ते उस तो बाद गुप्त काल, उस तो बाद वर्धन काल, उस तो बाद पंजाब दे विच मुसलमाना दा आगमन हो गया सी, फिर दास वंश आया। ठीक है, मध्यकालीन पंजाब चल पिया सीगा, ते फिर खिलजी राजवंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद ते लोधी वंश आया, फिर मुगल सल्तनत आया, ते उस तो बाद पंजाब दे विच सिख सामराज स्थापित होया सी। ठीक है, हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं, किस वैदिक ग्रंथ विच पुरातन पंजाब दे समाजिक सभ्याचार जीवन की झलक मिलती है। किस वैदिक ग्रंथ दे विच पंजाब दे समारक समाजिक सभ्याचारक जीवन की झलक मिलती है, वेदा दे विच मिलती है। ऑप्शन नंबर उड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट आडे कमेंट बॉक्स के जरूर दसना। नैक्सट क्वेश्चन, इन्हों मिलाओ। हाँ जी, इन्हों मिला है, मैच करना है, जाने के जिमें सूची वन दिती है, सूची टू दिती है, तो ये तुम्हें दसना कि संबंध किस दे नाल आ। जिमें असी गल करिए गंधार टैक्सला, जाने कि सिंगापुरा दी, सिंगपुरा दी। ठीक है, सिंगपुरा दी, तो यह किस नाल संबंधित आ, अपर सिंध,
सागर दुआब नाल। ठीक है, उस तो बाद जेकर असी गल करिए स्काला दी तां इह अपर रचना दुआब नाल संबंधित आ, जेकर असी गल करिए पट्टी दी तां इह बारी दुआब दे नाल संबंधित आ, जेकर असी गल करिए सतलुज दी तां इह यमुना सतलुज जल वंड दे नाल संबंधित आ। यानी कि इस दे विच राइट आंसर बन रहा 4, 3, 2, 1। तो देख लेने केड़ी ऑप्शन दे विच बन रहा, ऑप्शन नंबर उड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नैक्सट, दूजी सदी ईसा पूर्व विच यूनानी सम्राट मैनेंद्र जिसनों बोधी साहित्य विच मिलिंद वजों जाणिया जाता है ने पंजाब नू दरिया तक जितया सी। हाँ जी, हाँ जी, दूजी ईसा पूर्व दे विच यूनानी सम्राट मैनेंद्र जिसनों बोधी साहित्य दे विच मिलिंद वजों जाणिया जाता है ने पंजाब नू किस दरिया तक जितया सी, रावी तक। ऑप्शन नंबर ई डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नैक्सट, नौवीं दसवीं सदी विच केड़े शासकां ने उत्तर पछमी पंजाब विच अपना झंडा गड्डिया। हाँ जी, नौवीं दसवीं सदी दे विच केड़े शासकां ने उत्तरी पछमी पंजाब दे विच अपना झंडा गड्डिया सी, साहियां ने गड्डिया सी। ऑप्शन नंबर ई डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, किस नदी विच पछमी पंजाब गजनवी साम्राज का हिस्सा बन गया सी, जबकि राजपूतों कोल यमुना सतलुज जल वंड वाला खेतर सी। हाँ जी, तो 11वीं सदी दे विच पछमी पंजाब गजनवी साम्राज का हिस्सा बन गया सी, जदों कि राजपूतों कोल यमुना सतलुज जल वंड वाला खेतर सी। ऑप्शन नंबर ई डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, किस शासक के अधीन पंजाब नू वख-वख प्रांतों विच वंडिया गया ते हरेक प्रांत नू किसे तुर्क जां अफगान प्रशासक अधीन दिता गया। हाँ जी, किस शासक के अधीन पंजाब नू वख-वख प्रांतों दे विच वंडिया गया सी, दिल्ली सल्तनत के अधीन। ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। ते हरेक प्रांत नू किसे तुर्क जां अफगान प्रशासक आ जिहड़ा उह दिता गया सी। ठीक है, असीं करदे हां महमूद गजनवी दियां इन्ना जित्तां नू काल करम अनुसार रखो। हाँ जी, महमूद गजनवी ने जिहड़ियां इह जित्तां प्राप्त कीतियां सी उहनां नू बिल्कुल सीकुएंस वाइज कहिंदे आ बोलण लई रखण लई। तां सब तों पहलां देखो पंजाब आ, ठीक है, उस तों बाद सैकेंड ते आ मुल्तान, थर्ड ते आ कश्मीर, ते फोर्थ ते आ कनौज। तो तुसीं देख सकते हो किस तरह की ऑप्शन बन रही है, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर उड़ा ही साढ़े सामने पई है। ठीक है, महमूद गजनवी देखो इन्हां तो पहला पंजाब ते हिंदू शाही सत्ता कब्जा देखो जिवें असीं बोल सकते हैं कि महमूद गजनवी के आगमन के समय पंजाब ते हिंदू शाही सत्ता का कब्जा सी। हिंदू शाही सत्ता दे राजा जयपाल ने अपनी सल्तनत नू सरहंद तो लैके लंबाका तक फैलाया हुआ सी, ते बठिंडा उस समय राजधानी सी। ठीक है, बाद विच उसने अपनी राजधानी बदल के सरहंद बना ली। उन्होंने पंजाब के विशाल खेत्र ते राज कीता हुआ सी, पर हिंदू शाही राजे मुहम्मद गजनवी दे भयानक हमलों तो मतलब कि जित ना सके। ठीक है, तो महमूद गजनवी जिवें आप कह सकते हैं मुहम्मद गजनवी, ठीक है, ज मुहम्मद गजनी जा महमूद गजनवी, इन्होंने भारत ते टोटल 17 बार हमले किए आ, ये भी तुसी याद रखना। ठीक है, सब किन्ने बार हमले किए आ, 17 बार हमले किए आ। ठीक है जी, तो इस तों इलावा जेकर असी गल करिए, चलो बाकी जिवें भी आएगा डिटेल दे विच नाल दी नाल कर लवांगे। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन, मुहम्मद गौरी ने इन्हां विचों किस गढ़ी नूं जित्तिया सी। हाँ जी, इत्थे मिस्टेक आ, किसे नहीं गा किस आ। मुहम्मद गौरी ने इन्हां विचों किस गढ़ी नूं जित्तिया सी, हांसी नूं जित्तिया सी, सरसूती नूं जित्तिया सी, समाना नूं जित्तिया सी, जाणी कि उह प्रोकत सारिआं नूं ही जित्तिया सी। नैक्सट क्वेश्चन, 711 तों 713 ईस्वी विच किस अरब हमलावर शासक ने सब तो पहला पंजाब विच पैर पाया। हाँ जी, सब तो पहला पंजाब दे विच पैर पाया सी मुहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन नंबर उड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नैल मुहम्मद बिन कासिम ने इंडस दरिया जिहड़ा कि हुण पाकिस्तान दे विच आ नाल लगदे पंजाब दे इलाकियां नूं जित्तिया सी। ठीक है, नाल ही उन्हें सिंध नूं वी जित्तिया सी, ये भी तुसीं याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन,
इन्हों मिलाओ। हाँ जी, सूची वन दिती है, सूची टू दिती है, इन्हों कि कार्यकाल किन्ने समय तक का रहा यह असी दसना है। सब तो पहला असी गल करिए जेकर जेकर ममलूक की, तो इन्ह का संबंध किन्ने तो किन्ने ईस्वी तक आ, 1200 तो 1290 ईस्वी तक। उस तो बाद जेकर असी गल करिए खिलजी की, तो इन्ह का संबंध 1290 तो 1320 तक आ। ठीक है, जेकर असी गल करिए सैयद की, तो इन्ह का संबंध 1414 तो 1415 तक आ। जेकर असी गल करिए लोधी की, तो इन्ह का 1451 तो 1526 तक आ। हाँ जी, इतने तुसी देख सकते हो ममलूक जाने के दाशवंश, इसने पंजाब ते 1206 तो 1290 तक राज किया। फिर खिलजी वंश आया, ठीक है, इसने पंजाब ते 1290 तो 1320 तक राज किया। फिर सैयद वंश आया, इसने 1414 तो 1451 तक राज किया। फिर लोधी वंश आया, इसने 1451 तो 1526 तक राज किया। ठीक है, उस तो बाद बाबर दे आने नाल पंजाब दे विच सुधार होना शुरू हो गया सी। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन, मुहम्मद गौरी दे पंजाब हल्ले ते गंगा दबाव बद वधन वाल दौरान उसकी टक्कर किस नाल हुई सी। हाँ जी, मुहम्मद गौरी दे पंजाब हल्ले ते गंगा दबाव दे वाल बदन दौरान उन्हां दी टक्कर किस नाल हुई सी, पृथ्वीराज चौहान दे नाल। ऑप्शन नंबर उड़ा इज द राइट आंसर। राज चौहान नूं ही हरा के पंजाब दे विच अपना राजस्थान राज आ जिहड़ा उह स्थापित कीता सी। ठीक है, ये तुसीं याद रखना। देखो जे डिटेल दे विच करिए तां पृथ्वी राज चौहान जो कि चौहान वंश दे आखरी राजा सी, उहनां नूं 1192 दे विच तराइन की लड़ाई दे विच हरा दिता सी। प्रसिद्ध आ तराइन की लड़ाई, ठीक है, उस दे विच हरा दिता सी मुहम्मद गौरी ने, ते उस तो बाद दिल्ली तो लैके सरहद तक अपना अधिकार जमा लिया सी। तो उस तो बाद ही भारत दे विच अपना एक नवा राजा जिहड़ा स्थापित किया सी, जिसनू दाशवंश दे नाम नाल जाणिया जाण लग्गिया। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, किस शासक नू पंजाब दे नहरी सिंचाई ढांचे का बाणी कहा जाता है। हाँ जी, फिरोज़ तुगलक नू पंजाब दे नहरी सिंचाई ढांचे का बाणी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ई डी इज़ द राइट आंसर। जेकर असी गल करिए तुगलक वंश की, तो पंजाब विच तुगलक वंश की नींह 1320 ईस्वी गियासुउद्दीन तुगलक ने रखी सी। मुहम्मद तुगलक अते फिरोज़ शाह तुगलक इस वंश के दो महत्वपूर्ण शासक सी। मुहम्मद तुगलक एक दुरअंदेशी प्रवक्ता सी जिहड़ा कि, उस तो इलावा जेकर असी गल करिए फिरोज़ शाह तुगलक की, एक क्रियात्मक प्रवृत्ति के मालक सी। फिरोज़ शाह तुगलक ने खेतीबाड़ी के सुधार लिया कई यतन किए, सिंचाई लई कई नहर बनवाईया, दरिया सतलुज तो पंजाब के खेतर में सिंचाई लई एक नहर पुटवाई गई। वह नवें शहर वसाउण का भी शौकीन रखते सन, ठीक है, नवें शहर वसाउण के दूजे शहरों के नाल नाल उन्होंने पंजाब भी शहर फिरोजपुर वसाया सी। ठीक है, ये तुसी याद रखना। फिरोजपुर मगरों कई कमजोर जिमें फिरोजपुर शहर बसाउण के मगरों, फिरोज़ शाह के मगरों कई कमजोर शासकों कारण दिल्ली सल्तनत भी ढह ढेरी हो गई सी, ये तुसी याद रखना। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट है इस दे नाल रिलेटिड। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब विच किस जगह महान मुगल सम्राट अकबर का राज तिलक किया गया सी। हाँ जी, पंजाब विच किस जगह ते महान मुगल सम्राट अकबर का राज तिलक किया गया सी, कलानौर दे विच। ऑप्शन नंबर उड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, कलानौर, ये तुसी याद रखना। क्वेश्चन असी करते हैं जी, पंजाब दे इन्ना सूबेदारा नू काल करम मुताबिक रखो। पंजाब दे जिहड़े सूबेदार हैं इन्हां नू काल करम मुताबिक रखना। देखो सब तो पहला किन्हां दा कार्यकाल सी, अब्दुल समद खान दा। उस तो बाद जे गल करिए जकरिया खां, तो इन्हां तो बाद जाहिया खां, तो इन्हां तो बाद मीर मन्नू। ऑप्शन नंबर उड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगे असी इस वीडियो के लास्ट के डिस्कस करांगे पूरी डिटेल के। ठीक है, पंजाब अते उत्तर पछमी खेत्र विच अकबर लई किस ने औंकड़ा खड़िया कीतियां सन। हाँ जी, पंजाब अते उत्तर पछमी खेत्र के विच अकबर दे लई मिर्जा हाकिम, रोशनई, बलोच, इन्हां सारिया ने ही औंकड़ा खड़िया कीतियां सी। ऑप्शन नंबर सस्सा इज़ दा राइट आंसर। हाँ जी, अज इस दे नाल ही साडी अज दी वीडियो खत्म हुंदी है। ठीक है, तो कल असी इस वीडियो दे विच 124 नंबर क्वेश्चन तो गुरु साहिबान दे नाल टॉपिक है जिहड़ा शुरू करांगे। ठीक है,
तो उस तो इलावा मैं तुहानू दस देना चाहुंदी हां पंजाब दे बारे पूरी डिटेल दे विच। एक बार देखो 2600 तो लैके 1900 पूर्व ईस्वी की गल कर रही हूँ मैं, ठीक है। 2600 तो लैके 1900 पूर्व ईस्वी हड़प्पा सभ्यता रही पंजाब दे विच, 1500 तो लैके 1000 पूर्व ईस्वी वैदिक सभ्यता रही, 599 तो पूर्व ईस्वी जैन धर्म रहा, 567 तो 487 जां 400 पूर्व ईस्वी बौद्ध का आगमन रहा, 550 तो 400 तक पूर्व ईस्वी बौद्ध धर्म का पूरा प्रभाव रहा, 550 तो 515 पूर्व ईस्वी इंडस यानी कि सिंध दरिया के लेंदे वाले पासों ईरानिया का हमला होया, ठीक है। फिर 326 पूर्व ईस्वी सिकंदर का हमला, फिर 322 तो 185 पूर्व ईस्वी मौरिया सामराज, फिर 45 तो 180 ईस्वी कुशान सामराज, फिर 200 तो 400 ईस्वी इंडो सीथियन काल यानी कि प्राचीन सीथिया देश जो काले सागर के उत्तर वल वसिया वा उन्हां दा काल आ गया सी पंजाब दे विच, फिर 320 तो 550 ईस्वी गुप्त सामराज आ गया, फिर 500 ईस्वी तो हूणा दा हमला आ गया, फिर 510 तो 650 ईस्वी वर्धन काल आ गया, फिर 770 तो 810 ईस्वी पाल सामराज आ गया, फिर 647 तो 1192 ईस्वी राजपूत काल आया, उस तो बाद 717 तो 713 ईस्वी अरब दे जरनैल मुहम्मद बिन कासिम ने इंडस दरिया मौजूदा पाकिस्तान नाल लगदे पंजाब दे इलाकियां नू जित्तिया, फिर 713 तो 1300 ईस्वी दिल्ली सल्तनत आया, ठीक है, जिस दे विच 1206 तो लैके 1290 ईस्वी तक मुहम्मद गौरी ने राज कीता, उन्हां दा कार्यकाल रहा, ठीक है। 1290 तो 1320 ईस्वी तक जलाल उद दीन फिरोज़ खिलजी का राजवंश रहा, ठीक है, जां फिर कह सकते हैं खिजली राजवंश ने पंजाब ते राज कीता, फिर 1320 तो 1413 ईस्वी तक ग्यासुद्दीन तुगलक ने राज कीता, फिर 1414 तो 1451 तक खिजर खां ने राज कीता, फिर 1451 तो 1526 ईस्वी तक जिहड़ा राज सीगा वह आ गया बहलौल खां लोधी का, उस तो बाद 1526 तो 1707 ईस्वी विच मुगल सामराज आ गया सी। ते मुगल सामराज दे विच जेकर असी गल करिए 1526 तो 1530 ईस्वी, ठीक है, 1526 तो 1530 ईस्वी जहीरुद्दीन मुगलक बाबर ने राज कीता, फिर 1530 तो 1540 ईस्वी नसीरुद्दीन मुहम्मद हमाजू ने राज कीता, फिर 1540 तो 1545 ईस्वी शेर शाह सूरी का कार्यकाल रहा, फिर 1545 तो 1554 ईस्वी इस्लाम शाह सूरी का कार्यकाल रहा, फिर 1555 तो 1555 तक ही, ठीक है, नसीरुद्दीन मुहम्मद हमाजू का कार्यकाल रहा, उस तो बाद 1556 तो 1556 ईस्वी तक हेम चंद्र विक्रमादित्या का कार्यकाल रहा, फिर 1556 तो 1665 ईस्वी जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर का कार्यकाल रहा, मतलब कि इन्होंने पंजाब ते राज कीता, फिर 1605 तो 1627 ईस्वी नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर ने राज कीता, फिर 1627 तो 1658 ईस्वी सहाबद्दीन मुहम्मद शाहजहां ने राज कीता, फिर 1658 तो 1707 ईस्वी, ठीक है, 1658 तो गल कर रहे सी असी 1707 ईस्वी दी, मोहियुद्दीन मुहम्मद औरंगजेब आलमगीर दा कार्यकाल रहा, 1707 ईस्वी विच मुगल साम्राज दा पतन हो गया, फिर 1459 ईस्वी तो जिहड़ा असी गल करिए कि समा चल पिया सीगा 1469 दी, ठीक है, बाई मिसटेक बोलिया गया गलत, 1469 तो 1539 ईस्वी तक श्री गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु नानक देव जी समा आ गया सी, ठीक है। 1539 तो 1675 ईस्वी विच गुरु श्री गुरु अंगद देव जी तो लैके श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जी तक 8 श्री गुरु साहबाना का जीवन काल रहा, ठीक है। 1675 तो 1708 ईस्वी तक श्री गुरु गोविंद सिंह जी का श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन बारे जीवन काल रहा, ठीक है।
1708 तो 1775 ईस्वी तक बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दी जित्तां आ गईआं। ठीक है, 1716 तो 1769 तो 1759 ईस्वी मुगल नवाबां नाल घट गिनती सिखां दीआं लड़ाइयां होईआं। ठीक है, फिर 1739 ईस्वी विच परसियां ते नादर शाह दा हमला होया। फिर 1748 तो 1669 ईस्वी अहमद शाह अब्दाली दे 9 हमले होए। फिर सिखां ते दुरानी सामराज विच पंजाब दा कब्जा लैण लई बराबर दी टक्कर होनी शुरू हो गई। फिर 1761 ईस्वी दे विच पानीपत दी तीजी लड़ाई होई। ठीक है, फिर 1762 ईस्वी दे विच अहमद शाह अब्दाली दे 6वें हमले दौरान वापरिया सिखां दा घल्लूघारा। फिर 1764 ईस्वी तो 1799 तक सिख मिसलां दी हुकूमत रही। फिर 1799 तो 1839 महाराजा रणजीत सिंह दा राज रहा। महाराजा रणजीत सिंह दा जन्म 1780 ईस्वी नूं होया सी। ठीक है, तुसी याद रखना। ते हाँ जी, अगे असी गल करिए 1849 तो, ठीक है, 1845 तो 1849 दौरान होईआं पहलियां ते दूजी सिख एंगलो सिख लड़ाइयां तो बाद पंजाब ते ब्रिटिश सामराज आ गया। फिर 1849 तो 1947 ब्रिटिश इंडिया सामराज रहा। फिर 1911 नूं कलकत्ते तो भारत की राजधानी नूं हटाया गया ते दिल्ली नूं पंजाब तो अलग कर दिता गया। ठीक है, ते पंजाब की पंजाब तो अलग कर दिता गया। ठीक है, 1947 विच ब्रिटिश इंडिया अधीन सांझे पंजाब नूं दो हिस्सों दे विच वंडिया गया। दो दरियावां दे विच सतलुज ते व्यास वाले पूर्वी जिहड़े चढ़दे पासे हिस्से नूं भारतीय पंजाब दे विच वंड दिता गया। तीन दरिया रावी झरना जहलम यह पाकिस्तान दे हिस्से विच चले गए। लगभग 70 लाख लोगों ने पाकिस्तान ते 60 लाख लोगों ने भारत वल हिजरत की। 1950 नूं दो नवें राजां दे विच वंड दिता गया। प्रांतक राज नूं पंजाब राज अते शाही रियासतां नूं पैप्सू दा नां दिता गया। पैप्सू जां पैप्सू दा पूरा नाम की सीगा? पटियाला एंड इंडस पंजाब स्टेट्स यूनियन। ठीक है, इस तरह कुछ पहाड़ी रियासतों नूं लैके हिमाचल प्रदेश नूं केंद्र शासित प्रदेश बना दिता गया। फिर 1960 तो 1973 तक हरी क्रांति का दौर चलिया। फिर 1966 तक भाषाई पद्धर ते भारतीय पंजाब नूं तीन हिस्सों दे विच यानी कि हरियाणा हिमाचल प्रदेश ते पंजाबी सूबा विच वंडिया गया। 1984 विच ऑपरेशन ब्लू स्टार आ गया सी पंजाब दे विच। फिर 1980 तो 1995 तक अतवाद दा काल दौरान आया। ठीक है, ये तुसी याद रखना। पंजाब दी पूरी डिटेल दसती कि कौन की चर्चा किन्नी रही आ पंजाब दे विच। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।